आज मैं हाजिर हूँ सीटेट के कुछ मैथ्स के प्रश्नों को लेकर के। अभी आप देखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर होता है एलसीएम एचसीएफ, उसके कुछ प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों आप बचपन से पढ़े होंगे एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम निकालने के तरीके क्या है, ये चार एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताता हूँ। 5, 10, 20 और 60 का एलसीएम निकालें, तो आप क्या करते हैं 5, 10, 20 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, ये इसमें किससे लगने वाला है। आप सबसे पहले इसको 5 से चुकी कॉमन है तो हम 5 से लगाते हैं, 1, 2, 4 और 12। फिर अब किस चीज से लगेगा, 2 से लगेगा, तो क्या करेंगे 1, 2 और 6। फिर किस चीज से लगेगा, 2 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 = 6। अब तो नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे इसको 5 × 2 × 2 × 3 यानी 5 × 2 = 10, 2 × 20 20 × 60 यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो दोस्तों ये तरीके से आप बनाते रहे हैं और इसी तरीके से आप बनाएंगे, लेकिन हम आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग लग जाए। तो ये जो होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो संख्याओं का समूह है उस संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे। हम एक नया तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें आप देखेंगे क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या है 60। अब देखते हैं कि क्या यह 60 शेष संख्याओं से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 5 से विभाजित है 60, 10 से भी विभाजित है 60 और 20 से भी विभाजित है 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। समझ में आ गया, यानी यह तरीका आपको यूज नहीं करना है। अब दूसरा देखिए 64, 16, 32 और 4। अभी देखिए इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 64। यह 64 सबसे बड़ी संख्या है। 64 में देखिए किस किस से भाग लग रहा है, 16 से भाग लग रहा है, 32 × 64 और 4 × 16 है 64, यानी 64 भी सभी से सभी संख्याओं से कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 64। समझ रहे ना, आसान लग रहा है ना आपको। देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। अभी देखिए इस संख्याओं में देखिए कि 10, 15, 20 और 12 का एलसीएम, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20। अब देखिए कि 20 में 10 से तो भाग लग रही है लेकिन 15 और 12 से भाग नहीं लग रही है। वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का टेबल पढ़ेंगे। 20 × 40 नहीं काट रहा है बाकी संख्या, 20 × 60। 20 × 60 में आप देखते हैं क्या, 10 भी काट रही है 60 को, 15 भी काट रही है 60 को और 12 भी काट रही है 60 को, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यानी सबसे बड़ी वाली संख्या का तब तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि उसको शेष संख्याएं काट न दे, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 60। अभी अगला देखेंगे आप 10, 30, 15 और 9 का एलसीएम, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है 30। अब 30 को क्या है कि 10 और 15 तो काट रही है लेकिन 9 नहीं काट रही है, तो हम क्या करेंगे 30 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि शेष संख्याएं इसको काट न दे। तो 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं 30 × 60, 30 × 60 पढ़ते हैं तो 10 भी काट रही है और 15 भी काट रही है 60 को लेकिन 9 नहीं काट रही। फिर 30 × 90, 30 × 90 में क्या हो रहा है 10 काट रही है, 15 भी काट रही है और 9 भी काट रही है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 90। समझ गए इसको। अभी हम इसको फिर चलिए इसका और भी कुछ अलग से एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों जब यहां देखेंगे कि इस एग्जांपल में कि कोई संख्या किसी को काट नहीं रही है, वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। जैसे 7, 9, 5 को, तो 7 × 5 = 35, 9 तो 35 × 9 कितना हो जाएगा 35 × 9, 35 × 9 = 350 होता है, उसमें से हम क्या करेंगे 35 कम कर देंगे यानी 315। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 315। अभी यहां देखिए 4, 6, 8 और 16 का एलसीएम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं कि कोई संख्या ये 4 जो है ये 16 को कट कर रही है, ये 8 16 को कट कर रही है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो गई 16। 16 का टेबल पढ़ेंगे 16 × 16 = 32, 32 में देख रहे हैं कोई ये नहीं कट कर रही है, फिर 16 × 3 = 48, 48 को ये भी कट कर रही है, ये भी कट कर रही है और ये भी कट कर रही है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 48। अभी देखेंगे 40, 15, 12 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 40। 40 का टेबल पढ़ेंगे, 40 का टेबल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ कॉमन है इसके लिए, तो टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 × 80 नहीं कट हो रहा है, 40 × 120। अब 120 को देखते हैं कि 15 से भी कट रहा है, 15 × 8 = 120, 12 से भी कट रहा है, 12 × 9 = 120 और 30 से भी कट रहा है, 30 × 4 = 120, यानी 40 का टेबल हमने कितना बार पढ़ा 3 बार पढ़ा, तो 40 × 120 इसका एलसीएम हो जाएगा।
अभी इसमें देखें 9, 3, 27 और 81 में 81 को पकड़ेंगे, हमने क्या बताया था सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ना है, 81 को पकड़ेंगे। 81 में आप देखिए 9 भी उसको काट कर रही है, 3 से भी ये कट रहा है और 27 दिया 81, 27 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 81। तो देखिए ये कितना आसान हो गया। अब हम आते हैं एचसीएफ पे, चलिए हम एचसीएफ के इस प्रश्न को लेकर के आए हैं महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक का जनरल विधि क्या है वो हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम आपको ट्रिकी मेथड बताते हैं। चलिए मैं पहले जनरल मेथड ही आपको बता देता हूं। जैसे कहा जाता है 16, 8 और 4 का एचसीएफ निकालें, तो आप क्या करेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या को लेंगे 16, उसको भागा देंगे 8 से, 8 से भागा देंगे, ये कितने मरतबे कटेगा 2 मरतबे कटेगा, तो क्या हो गया ये कट गया। अब बचा क्या आपके पास 4 और यहां क्या 8, तो आप 8 को क्या करेंगे फिर 8 को अगर 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 8 को अगर 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कट गया, तो अर्थात आपका हो गया एचसीएफ 4। लेकिन हम इसमें आपको दूसरा मेथड बताना चाह रहे हैं, दूसरा मेथड बताना चाह रहे हैं, इसकी परिभाषा को समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिससे दी गई सभी संख्याओं में भाग लग जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम यहां पे बोल तो रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन करना क्या है सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याओं में भाग लग जाए, तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या को हम पकड़ते हैं तो क्या है 4, 4 से हम भाग देते हैं कि शेष संख्याएं कट रही है कि नहीं, तो देखते हैं 4 से 8 कट रही है और 16 भी कट रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। इस प्रश्न में देखिए, देखिए कॉमन कुछ दिखेगा आपको कॉमन, तब हम ऐसा करेंगे 20, 40, 35, 5, ये लगता है क्या ये 10, 5 का गुणज है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे छोटी संख्या क्या है 5, 5 से हम देखते हैं ये सभी संख्या कट रही है कि नहीं, 35 भी कट रही है, 40 भी कट रही है और 20 भी कट रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, समझ गए। अब देखिए 35, 15 और 6, देखिए थोड़ा सा कॉमन है और थोड़ा सा ये डिसकॉमन भी है, तो अब ऐसे परिस्थिति में इसको क्या करेंगे हम, इसको सबसे छोटी संख्या ये लेते हैं 6, अब 6 को हम तोड़ते हैं थोड़ा सा ऐसे, 6 को तोड़ते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 अभाज्य संख्या, हम तोड़ते हैं इसको 5 × 3 अभाज्य में तोड़ेंगे इसको 7 × 5, तो अभी देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब तीनों में कॉमन नहीं हो तो उस परिस्थिति में उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहां देखिए 7, 9, 5 एक अलग तरह की संख्या लग रही है ना, तो यह सम संख्या है, सम संख्या भी है, सॉरी इसमें अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे चलिए आगे और एचसीएफ के प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम जो है सो और कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, 45, 105 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको जनरल मेथड से बताना चाह रहे हैं, 105 और 135 का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 135 में किससे भागा देंगे 105 से भागा देंगे, तो एक मरतबे क्या हो जाएगा 105 क्या हो गया 30। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां दे देंगे 105, अभी 105 दे दिए तो इसको इससे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 30 दिया 90 उतर गया क्या 15, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 30, 15 से भागा देंगे इसमें 2 मरतबे 15 × 30 अर्थात 105 और 135 का एचसीएफ क्या हो गया 15, तो 15 अब देखते हैं शेष एक क्या बच गया 45, 45 15 से कट रहा है कि नहीं, तो 45 15 से कट रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 15, समझ गए। हमने आपको जनरल मेथड भी एक सिखा दिए हैं। दूसरा एक इस तरह इस चैप्टर में सवाल आता है कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 36 और 6 है, तो पहली संख्या यदि 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्न का जो एक ट्रिक आता है क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो अब आप देखिए कि एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा 36 × 6 और पहला नंबर क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पहला नंबर गुने तो पहला नंबर से इसको हम भागा दे देंगे 12, तो हमको क्या निकल जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या निकल जाएगी 12 × 36 तो 3×6 = 18 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक सवाल आता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो 6, 9 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित हो, 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है इसका
छ नौ पंद्रह का हमको क्या ले लेना है, एलसीएम, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये संख इस तरह में कह नहीं रहा एलसीएम, लेकिन आपको समझना है इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, पंद्रह का टेबल पढ़ेंगे, पंद्रह के पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, पंद्रह तिया पैंतालीस, पंद्रह चौका साठ, पंद्रह पचे पचहत्तर, देखते रहेंगे कब तक नहीं कटता है। पंद्रह छक्का नब्बे, नब्बे में क्या हो रहा है, नौ से भी कट रहा है और छह से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा नब्बे। दैट मीन्स कि वह संख्या जो छह नौ तथा पंद्रह से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या होगी, नब्बे होगी। लीजिए अगला प्रश्न लेते हैं, चलिए एक प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें छह बारह चौदह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचे, तो यहां पर क्या करेंगे हम, छह बारह चौदह का एलसीएम ले लेंगे और उसमें दो ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चौदह का हमको टेबल पढ़ना है, चौदह का चौदह, चौदह दुनिया अट्ठाईस, चौदह तिया बयालीस। अभी देखिए आप बयालीस से बयालीस को कौन कौन काट रहा है, छह तो काट रहा है लेकिन बारह नहीं काट रहा है, चौदह तिया बयालीस, चौदह चौका छप्पन, चौदह पंचे सत्तर, चौदह छह चौरासी। अभी आप देखिए चौरासी को कौन कौन काट रहा है, ये छह भी काट रहा है, बारह भी काट रहा है, चौदह तो काट ही रहा है, चौरासी में हम क्या करेंगे, दो ऐड कर देंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको छह बारह चौदह से भाग देने पर दो शेष बचेगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, चौरासी। मुझे लगता है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखें, मैं आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार बनाए, यही सफलता का सूत्र है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में मदद दिलाएगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझने में कठिनाई होगी तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, चलिए मिलते हैं।